अज असी तुहानू अमृतसर प्रशासन का जो है रियलिटी चैक दिखाने को लेकर आए हैं। इस वेले असी खड़े हैं अमृतसर के रिगो ब्रिज के उत्ते, जिसकी बुनियाद जो गल कर लिए जो जिसकी जी बनवाई है अंग्रेजा के टाइम के वेले जो 1905 होंगी है, तो उस तो बाद जी बुनियाद है 1955 तक की सी, पर हूँ जो बुनियाद लंघे में भी जरा 67 तो 68 साल हो गया, क्योंकि इस वेले जो समय 2022 भी जरा आ अंतिम टाइम के उत्ते आ, क्योंकि गल कर लिए कि 2-3 दिन बाद जो है 2023 आ जाएगा। इस वेले तुहानू असीं दिखा रहे हैं कि पुल के उत्ते जिनी आवाजाई तुसीं देख सकते हो कैमरे राही, पर दूसरे पासे तुहानू नाल दी नाल ही आपां दिखा देने हैं कि इस पुल की जो कह लिए कि बुनियाद खत्म होए नूं इन्ने साल हो गए, तो इस वेले जो पुल के हालात है टेर टेरी होए पे आ, तुसीं देख सकते हो जो एक साइड तो बिल्कुल ही जो है नीचे नूं जो है डिग चुका है, तो दूसरी तरफा जो अमृतसर के जो यूथ ने जो वरुण सरीन उन्होंने वालों आवाज़ चुकी गई है, कई बार उन्होंने वालों प्रशासन को भी कहा गया कि इत्थे आके इत्थों की जो कार्रवाई जो की जाए साढ़े नाल मौजूद ने। जी वरुण जी, की कहना चाहोगे इस जो ब्रिज के बारे? देखो जी, ये जिहड़ा ब्रिज है ये 1905 बनता है, इहदी 5 साल की बुनियाद रखी जाती है, तो उस तो बाद 1955 तक इहदी बुनियाद सी, अज इहदी बुनियाद खत्म होए भी घट्टो घट 68 साल हो गए ने, लेकिन ये पुल की सुध बुध लैन वाला कोई नहीं है। मेरे वालों 31-10 नूं एक कंप्लेंट डीसी साहब नूं दित्ती गई, जिस मैं साफ तौर पर लिखा सीगा कि यह पुल बहुत खस्ता हालत है, तो इत्थे किसी भी वेले कोई हादसा हो सकता है, बट डीसी साहब वालों उस नूं तत्थां नूं आधार ते एक कहिंदे ना टीम गठित की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट च बाद चों दस्सिया कि यह पुल पूर्ण तरह से असुरक्षित है, तो डीसी साहब की रिपोर्ट तो बाद इतने कारपोरेशन के कमिश्नर साहब वालों ऑर्डर किया गया कि इस पुल से हैवी व्हीकल नहीं जाया जाएंगे, तो मेयर साहब वालों भी यह कहा गया कि इतने हैवी व्हीकल बिल्कुल पूर्ण तौर पर बंद कर दिया जाएगा, बट तुम जिदा कि कैमरे राही वेख्या ही हो विखाया ही है कि इतने कोई हैवी व्हीकल बंद नहीं होया, ये सिर्फ फॉर्मैलिटियां चल रही वा। मैं तुम्हें इतने ये भी दसदा कि पुल के नाल ही एक बहुत बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा वा, अमृतसर च खास तौर पर वेख्या गया अगे भी बहुमंजिला इमारत जिन्ह की बेसमेंट बहुत ज्यादा डूंगी होंगी है, वह खोदे जाने आड़ आले दुआले जमीन धस जा वा, तो कारपोरेशन कमिश कारपोरेशन की एक रिपोर्ट है जिन्होंने इनवैसट पंजाब वैसट पंजाब यह अपनी रिपोर्ट भेजी इनवैसट पंजाब च कि यह जरा बिल्डिंग का होटल का नक्शा पास किया है, तो पुनः विचार करो कितना कि होटल बनना पुल में खतरा है, बट अज तक अज देख लो तुम 2022 भी जान हो बट यह पुल का कोई सुध बुध लैन वाला नहीं है, होटल का काम भी उदा ही चल रहा वा, पुल तो हैवी व्हीकलों की आवाजाई भी उदा वा, मैनू जिथों तक पाली लगता है कि यह सरकार या प्रशासन कह ला यह कि हादसे उड़ीकन दियां वा ताकि कोई हादसा हो बाद चे वाह वाही लुट सकन। वरुण जी, किवें वेखदे हो इन्ने साल पुराना पुल होवे अंग्रेजां टाइम दा बनया होवे, उस तो बाद कई सरकारां आंदियां, जे गल करिए कांग्रेस अकाली दल ते दूसरी तरफा गल करिए हुण आप सरकार भी आई आ, पर जे प्रशासन की गल करिए प्रशासन नूं ते कितें ना कितें काम करन दी जरूरत है, प्रशासन वल्लों क्यों नहीं इस चीज दे उत्ते ध्यान दित्ता गया? देखो जी, 68 सालां च मैनूं लगदा कई सरकार आईआं ते कई गईआं, बट प्रशासन नूं पहल दा आधार ते इहो जिहीआं चीज़ां दे वेल वल ध्यान देना चाहिए जिहड़ी लोकां नूं जुड़ियां होईआं वा, इह पुल एक इतिहासिक पुल है जिहड़ा पूरे शहर नूं जोड़दा वा, इह तां बड़ा मंडी दा काम वी इह तों चलदा, हर कोई जिहड़ा रोजगार दा काम इह तों चलदा वा, अमृतसर दा इकलौता इहो जिहा पुल आ जिहदे च हैवी व्हीकल दा 80% हैवी व्हीकल ऐसे पुल तो जाते हैं, तो सरकार आईया तो गई, बट ये पुल वाल ध्यान देना मैनू लगता जितों तक बहुत जरूरी सीगा, बट एरे वाल कोई ध्यान नहीं दिता गया, इसे सीधिया सीधिया सरकार दियां ते प्रशासन दियां अनगेलियां ही वेखांगा मैं ते। जदों कोई हादसा हो जाता, क्योंकि पिछे जी वेख्या गया अमृतसर दे विच 3 बिल्डिंगा जो है धसदियां ने, एक थां रोड धस जांदा है, दूसरी थां बिल्डिंग धस जांदी है, ते गल करिए कि बाद जो है एक सिर्फ सिट या कमेटी बनाई जाती है, इंक्वायरी लगती है, पर उहदा कोई सिटा नहीं निकलता। देखो जी, ये तो डिपार्टमेंट ने ना एक कहिंदे ना जुबला ही बना लिया होया वा, कोई हादसा जे तुहानू पता है ते हादसा हो सकता है, वह हादसे नू रोको और ते कार्रवाई करो, उहदा कोई हल लभो, लेकिन डिपार्टमेंट की करता पहला हादसे नू उड़ीकदा, जो हादसा हो जाता और अपने 2-4 अफसर सस्पेंड करके वाह वाही लुटदा वा, लेकिन जिन्हों का हादसा होया हुंदा जिन्हों का नुकसान होया हुंदा वह बेचारे सड़कां ते रुलदे ने। जे गल करिए वरुण जी, इस पुल के की हालात ने,
की रियलिटी चैक है, क्योंकि अज असी रियलिटी चैक दिखा रहे हैं इतों के पुल का, किवें वेखते जे जो यी थलों की भी जी आप मतलब वीडियो बनाई है कुछ की सामने आया। देखो जी ताडे नाल मैं थले भी गया, तुसी खुद देखिया पुल दे हालात इन्ने क माड़े ने कि हुण पुल दे थलों सीमेंट दियां पापड़ियां डिगण लग पईआं ने, सरिये साफ विखांदे ने, आर पार वेख्या जा रहा पुल तों, बट की डिपार्टमेंट नूं इह चीज़ां नहीं विखरियां, सरकारां नूं इह चीज़ां नहीं दिख रहीआं। मैं इत्थे हाथ जोड़ के बेनती करदा, मैं बहुत पहला दी इहदी आवाज चुकन आ, बट इहदे वल कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। मैं नहीं चाहता या मैं ये उम्मीद करदा सरकारां तों कि कोई हादसा होण तों पहला इहदे ते जल्द तों जल्द कार्रवाई की जाए, पुल नूं दुबारा तो निर्माण किया जाए, पुल ते आवाजाई बहुत ज्यादा वे, इहनूं पुल नूं चौड़ा किया जाए जी। लगता कि प्रशासन मतलब सुनेगा, कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि जो जिदा का माहौल आ जां जो देखा गया बहुत ही जो खस्ता हालत जो इस वेले पुल की पाई जा रही है। देखो जी मैं एक आम पब्लिक हाँ, है ना, मैं मैनू दिख रहा है कि यह पुल ते बहुत वड्डा हादसा हो सकता है, मैं उसकी आवाज चुक रहा, जिहड़े इन्ने ने वड्डे अफसर इन्हां दे इंजीनियर ने उन्हां नूं नहीं दिख रहा। मैं ते सरकारां नूं भी कहना चाहवांगा कि तुसी कोई सुध ले लो, तुसी पब्लिक दे चुने हुए नुमाइंदे हो, तुहाडा फर्ज आ पब्लिक की सेफ्टी पहला, तुसी सरकार अफसरां नूं कह के इह पुल का निर्माण कराओ, यह पुल चौड़ा कराओ, ते जदों तक यह पुल का निर्माण नहीं दुबारा किया जाता, यह होटल का जिहड़ा काम 8 मंजिला होटल बनना 3 बेसमेंट है, यदा काम भी बंद कराओ, जिहदे नाल खुद डिपार्टमेंट कह रहा है कि पुल नूं खतरा वा, तो काम क्यों नहीं बंद हो रहा, अज काम भी चल रहा है तो ट्रैफिक हैवी व्हीकल भी उदा ही चल रहे हैं, ये तो कितने ना कितने लोगों की जान को खतरे च आप पाने वाली गल कर। प्रशासन को पूछा जाए तो वह कई बार कहते जी अभी पुल से जो वड्डे वड्डे जो पत्थर रखे गए हैवी व्हीकल नहीं आन दिते जाते। देखो जी पत्थर तुसी मैनू एक पत्थर भी विखा दो, आप ही पत्थर रखते हैं, आप ही साइड से करा लेंगे ने, एक सिर्फ फॉर्मैलिटी की जा रही। मैं तो चैनल आ एक चीज होर दसा, कुछ टाइम पहला मैं पुल के थले एक होर्डिंग लवाई जिसे मैं साफ तौर पर जनता को अवेयर किया कि यह पुल असुरक्षित है, यदा उपयोग घट तो घट करो, लेकिन मैं हूँ सरकार का ना लवा या कि अपने मेयर साहब का कह ला, एक उन्होंने नवे साल की वधाई देने एक अवेयरनैस बोर्ड में उतरवा के नवे साल की वधाई दी, यह कितने तुहानू मैनू नहीं लगता कि कितना कितने चंगा किया, मैनू तो लगता सगा कि डिपार्टमेंट वालों अवेयरनैस बोर्ड इतने लवाए जाने चाहिए है कि पुल असुरक्षित है, हैवी व्हीकल ना जाया जाए, तो लोग भी इसका उपयोग घट तो घट कर, बट इतने कुछ इदा का नहीं हो रहा, सब अपना आप वेखन देने। अगर जे कोई हादसा होंगे तो कितना का वड्डा नुकसान समझते, क्योंकि थले रेल लाइना ने हाई वोल्टेज। देखो जी यह बहुत वड्डा हादसा होना जी, क्योंकि ये मैं अगे भी तुहानू दस चुका हाँ 80% हैवी व्हीकल ऐसे पुल तो लंघदा, स्कूल दियां वैनां भी ऐसे पुल तो ज्यादातर लंघदियां, थले हाई वोल्टेज तारा ने, महाराज ना करे परमात्मा ना करे किसी के घर का कोई जी जे हादसे का शिकार हुंदा, तो मैं कितने ना कितने इत्थे डिपार्टमेंट नूं दोषी मनना वा ते सरकारां नूं दोषी मनदा वा कि जिन्हां दी अनगहली करके अज तक यह पुल दुबारा निर्माण नहीं होया, तो वह एक हादसे नूं उड़ीक रहे ने सिर्फ वाहवाही के चक्करां च। बिल्कुल जिदा तुसी देखिया कि जो तुहानू रियलिटी चैक अज दा जो है असीं इस पुल दा दिखाया, तो साफ तौर पर गल कर लिए कितना ना कितना प्रशासन नूं जो है चाहिए कि जो इस पुल की जो है एक बार आके देख रेख की जाए, तो इस नूं जो है दोबारा जो है इत्थे एक पुल स्थापित जो है नवा किया जाए। जगबानी टीवी लई अक्षय सुना अमृतसर।